आटा चीनी पेट्रोल बहरान के जिम्मेदार कौन है? जहांगीर तरीन को एनआरओ देकर रुखसत किया गया। वजीर जंगलात को वापसी से पहले ही फारिग कर दिया। उस्मान बुजदार रोज वजीर मुशीर बदल रहे हैं। जिस शख्स को वसीम अकरम करार दिया गया वो अपने ही खिलाड़ी आउट करने पर तुला है। लीगी रहनुमा अताउल्ला तारड़ के लफ्जी बाउंसर्स, कहा बुजदार हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं। कल एक ढोंग रचाया गया। इमरान खान हमारे मंसूबों पर तख्तियां लगाकर अवाम की आंखों में धूल झोंकते रहे। आप तो कहते थे लोग बाहर से नौकरियां लेने आएंगे, वो लोग तो खुद आपने काबीना में बिठा लिए हैं। एक ढोंग रचा के अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई और उस प्रोजेक्ट के हवाले से उसकी कारकर्दगी को सराहना। जो प्रोजेक्ट्स या तो हम मुकम्मल करके गए या जो हमने शुरू किए उस पर अपनी तख्तियां लगा के एक ढोंग रचा के उसका क्रेडिट क्लेम करने की कोशिश है, जो आपने किया है वो भी कौम के सामने है। आटा हो उसकी किल्लत, चीनी हो उसकी किल्लत, पेट्रोल हो उसकी किल्लत, और इस वक्त जो वीट क्राइसिस है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गंदम की कटाई के बाद गंदम इंपोर्ट करना समझ से बाहर है, और इस वक्त वजीर जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी के वो पार्लियामेंट में खड़े होकर सवाल करते हैं कि जी गंदम गई किधर। इस सब्सिडी से मुस्तफीद होने वाले जो चीनी कमीशन रिपोर्ट में सरे फेरिस जिनका नाम है जहांगीर खान तरीन साहब का, उनको एनआरओ दे के इमरान खान साहब ने रात के अंधेरे में जिस तरह रुखसत किया वो भी कौम के सामने है। तो ये जो खाता है तो बताता भी है कि हुकूमत है कि हमने इतना खाया है, तो हमने ये पब्लिश भी की है रिपोर्ट। तो जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक कौन पहुँचाएगा और उनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? जो आपकी काबीना में बैठे हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपसे फायदा उठाते हैं, ये वो लोग हैं जो आपने कहा था कि बाहर से नौकरियां लेने आएंगे तो वो आ गए हैं। आपने कहा था कि पाकिस्तान आएंगे लोग नौकरियां लेने तो वो आए भी हैं। आपने गवर्नर स्टेट बैंक भी लगाया है, आपने स्पेशल असिस्टेंट भी लगाया है, आपने मशीन भी लगाया है, आपकी काबीना में बैठे हैं।